One, two, three, come on. सैंडविचेस ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल झटपट सी रेसिपी है, बहुत यूनिक सी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा, जिस तरह से मैं बताऊंगी आप वैसे ही बनाइएगा। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सैंडविच ब्रेड लिए मैंने, ये देखें इस तरह से बड़े साइज के ब्रेड है, जैसे हम बाजार में सैंडविचेस खाते हैं ना, उसी साइज के ये सैंडविचेस बनेंगे। आप किसी भी बेकरी शॉप पे जाएं, उन्हें बोलें कि हमें दे दें सैंडविच ब्रेड, तो वो आपको दे देंगे। और साथ में मैंने लिया है चिकन, इस तरह से इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये 250 ग्राम है। इसकी सीजनिंग के लिए मींस जो मसाले हमने लिए हैं वो है, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, मींस लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, साथ में मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट मीन लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, योगर्ट दही लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साथ में गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और लेमन जूस लिया है मैंने साथ में 1 टेबलस्पून। ये हो गई चिकन की सीजनिंग के लिए चीज़ें। उसके बाद ब्रेड की सैंडविचेस की फिलिंग के लिए चिकन के साथ साथ हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ये देखिए बंद गोभी ली है मैंने मीन्स आइसबर्ग 1/2 कप, साथ में मैंने एक टमाटर लिया था, उसके स्लाइसेस बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं, ये देख रहे हैं आप इस तरह से काट लिया है इन्हें, ये यूज़ करूँगी मैं। साथ में मैंने लिया मेयोनीज 1/2 कप और केचप लिया मैंने 1/2 कप। चले अब सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हम ये अपने मसाले मिक्स कर लेते हैं। चिकन ले लिया मैंने, चिकन में अब मैं ऐड करूँगी योगर्ट मीन्स दही, गार्लिक पेस्ट मीन्स लहसुन का पेस्ट, आप लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, साथ में चाहिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट नमक, गरम मसाला पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे लेमन जूस और इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है और पैन में ऑयल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐड कर लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी, देखें इसे मिक्स करेंगे हल्का सा। ये देखें इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, इसे हम तकरीबन ये 7 मिनट तक पकेगा, 7 से 8 मिनट तक, वो आपके चिकन के साइज़ के हिसाब से होगा कि 7 मिनट पकेगा या 8 मिनट। इसका जो पानी है, हमने इसमें चिकन भी ऐड किया और लेमन जूस भी ऐड किया, तो इसी वजह से ये देखें चिकन पानी छोड़ रहा है, तो हम इसका पानी मिश्रित करेंगे मीन्स ड्राई करेंगे और अच्छे से इसे पकाएंगे। ये देखें चिकन का पानी मिश्रित हो गया है, तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसी स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से, आप दूसरा लकड़ी का चम्मच भी ले सकते हैं, इस तरह से हम इसको पीसेस में कर देंगे। ये देखें इस तरह से प्रेस करते जाएंगे जोर जोर से, वो देखें आप देख सकते हो उसके पीसेस होते जा रहे हैं। ये देखें चिकन को मैंने पीसेस में काट लिया है, ये देखें इस तरह से प्रेस करने से वो फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें चिकन के छोटे पीसेस तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पीसेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे रेडी करें पहले की तरह और फ्लेम ऑफ करें, और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है, अब हम कटिंग करेंगे ब्रेड के स्लाइसिस की। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस भी आप नाइफ से या चाकू से जिससे भी आप काट रहे हों ब्रेड को, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि उसका मुंह बहुत अच्छे से, मतलब तेज़ होना चाहिए छुरी का मुंह। तो इसी तरह से इसके साइड्स को हम काटेंगे, ये जो ब्राउन पट्टी है उसे हम रिमूव करेंगे इस तरह से, इसी तरह से मैं बाकी की सारी ब्रेड्स की भी काट लूँगी। देखिए ब्रेड स्लाइसिस की कटिंग हो गई है, अब मैं इन्हें साइड पर करूँगी और एक ब्रेड लूंगी, पहले मैं 3 और ब्रेड लूंगी, मैं इस तरह से इन्हें रखूंगी, मींस के जो ये 2 इन 4 से 2 सैंडविचेस बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। इन चारों पे हम अभी मेयोनीज लगाएंगे,
मेयोनीज लगाएंगे। इसी तरह से बाकी के सारे इन चारों पे मैं तीनों पे लगा दूंगी। ये देखिए मेयोनीज लग गई है चारों के ऊपर। अब मैं एक स्पून लूंगी, ये जो चिकन हमने रेडी किया हुआ है इससे इसकी फिलिंग करूंगी। इन दो ब्रेड दो के ऊपर मैं चिकन लगाऊंगी, ठीक है, दो के ऊपर नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर और इसके ऊपर। देखिए चिकन मैंने लगा लिया है, इसके ऊपर फिलिंग कर ली है। अब हम ब्रेड का ये स्लाइस पकड़ेंगे, इसके ऊपर इसे कवर करेंगे, इसी तरह से इसके ऊपर इसे भी कवर कर देंगे। और ये देखें ये दोनों कवर होगी, सेंटर पे कर लूँगी मैं। अब हम लेंगे केचप, इसके ऊपर केचप लगाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरे के ऊपर भी केचप लगा लूँगी। और ये देखिए मैंने केचप लगा लिया, अब मैं इसे साइड पे कर दूँगी। और टमाटर के स्लाइसेस लूँगी मैं, एक पर ही रखूँगी सिर्फ, इस तरह से। और ये देखें ये रखे गए टमाटर के स्लाइसेस। अब मैं लूँगी बंद गोभी। अगर आप इस पॉइंट पे सलाद पत्ता रखना चाहें या कुकम्बर सब्जियाँ, मतलब अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, सलाद की खीरा ऐड कर सकते हैं या सलाद पत्ता। और ये ले बंद गोभी भी रख दी मैंने। अब मैं इस ब्रेड को पकड़ूंगी और इसके ऊपर ये देखें ये होगी रेडी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ब्रेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। और ये देखें इसकी कटिंग हो रही है इस तरह से। एक ही स्प्रेड पे हाथ रखें और साथ इधर, ठीक है, फिर कटिंग में इजी होती है। और ये देखें हमारी जो सैंडविच है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के दो और बनेंगे, मैं वो भी रेडी कर लूंगी। और ये देखें हमारे जो चिकन टिक्का सैंडविचेस थे बिल्कुल रेडी हो गए हैं।